हेलो स्टूडेंट्स, हैवगुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा तीसरी के हिंदी विषय का 14वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है जौनपुर से पत्र। इस पाठ में हम एक पत्र पढ़ेंगे, ठीक है। पाठ से पूर्व, पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा का तो आनंद ही कुछ और है। चारों ओर फैले पहाड़ों की शोभा बड़ी आकर्षक होती है। नैनीताल भी एक ऐसा ही सुंदर पर्वतीय क्षेत्र है। अब इसमें क्या पर्वतों के बारे में बताया गया है, यानी नैनीताल के बारे में कि नैनीताल कैसा है, इस पाठ में हम एक पत्र के द्वारा पढ़ेंगे। आइए पाठ के माध्यम से नैनीताल के विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जौनपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2000, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, 4 अप्रैल 2019, ये एक पत्र लिखा हुआ है, ठीक है। प्रिय मित्र सौरभ, जो अपने मित्र सौरभ को लिख रहा है। सह स्नेह अभिवादन, वार्षिक परीक्षा के बाद हमारे विद्यालय से विद्यार्थियों का एक दल नैनीताल की यात्रा के लिए गया। नैनीताल की यात्रा किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, नैनीताल के बारे में, ठीक है। दल यानी कि समूह है, जैसे इसे समूह है को इंग्लिश में बोलेंगे ग्रुप। दल का क्या मतलब होता है, समूह है, लोगों का झुंड। मैं भी उस दल में शामिल था। इस पत्र के माध्यम से मैं नैनीताल बारे में बताना चाहता हूँ। किसके बारे में, नैनीताल के बारे में। भारत के उत्तराखंड के कुमाऊं में नैनीताल नाम की एक सुंदर नगरी बसी है। कहाँ है, भारत के उत्तराखंड के कुमाऊं में नैनीताल नाम की एक सुंदर नगरी बसी है। यह पर्यटकों के लिए स्वर्ग के समान है। यह समुद्र तट से 1500 मीटर ऊपर है। छोटी बड़ी कुल मिलाकर यहाँ 15 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं, 15 झीलें हैं। नैनी झील के किनारे बसी होने के कारण इस नगरी का नाम नैनीताल पड़ गया। इस झील का आकार नयन जैसा है। किसके जैसा है, नयन, नयन यानी कि आँख, हमारी आँख होती है ना, वैसा इसका आकार है। कहते हैं कि इसका संबंध माता पार्वती के नैनों से है। किसके नैनों से है, माता पार्वती के नैनों से। इसके किनारे नैना देवी का बहुत प्राचीन मंदिर भी है। प्राचीन यानी कि पुराना। नैनीताल पहुँचते ही हमने अपना सामान एक होटल में रखा और चल पड़े नैनी झील में नौका विहार के लिए। नौका यानी कि नाव, विहार यानी कि भ्रमण, नाव के द्वारा भ्रमण करना, नौका विहार के लिए। एक दिन हमने पर्वतारोहण का कार्यक्रम बनाया। हम लोग चिनापिक शिखर पर गए। रास्ता दुर्गम था, दुर्गम यानी जहाँ जाना असंभव हो, जहाँ जाना कठिन हो, किंतु हंसते गाते किसी तरह हम सब शिखर पर पहुँच ही गए। यह चोटी समुद्र तट से 2400 मीटर ऊपर है। यहाँ से झील का नैनाकार साफ दिखाई पड़ता है। यहाँ के निवासी सरल, कैसे हैं यहाँ के निवासी, सरल, ईमानदार और सीधे हैं। छल कपट तो उनमें नामो निशान नहीं है। यहाँ आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पर भीमताल, नक्कीताल जैसे रमणीक पर्यटन स्थल है। रमणीक यानी कि सुंदर। मोम से बनी विभिन्न आकारों की रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ यहाँ की विशेष वस्तुओं में से एक है। इस नगरी की शोभा का खूब आनंद उठाकर और इसकी छवि को हृदय में अंकित करके एक सप्ताह बाद हम अपने घर लौट आए। अगर तुम भी साथ होते तो और आनंद आता। शेष अगले पत्र में चाचा जी एवं चाची जी को सादर प्रणाम तथा आकांक्षा यानी इच्छा को शुभ स्नेह बोलना। आकांक्षा का मतलब क्या होता है, इच्छा, अभिलाषा। तुम्हारा मित्र अक्षत। ये पत्र किसने लिखा था, अक्षत ने, ठीक है। और किसको लिखा था, हमने पढ़ा था सौरभ को।
अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है दल, समूह है, नयन आँख, प्राचीन पुराना, नौका नाव, विहार भ्रमण, दुर्गम जहाँ जाना कठिन हो, रमणीक सुंदर, छवि शोभा चमक, अंकित चिह्नित लिखित, आकांक्षा इच्छा अभिलाषा। तो ये हमारा 14वां पाठ था जिसका नाम था जौनपुर से पत्र। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।